पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में गुरुवार को कोविड 19 की रोकथाम और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए राजपत्रित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की। इस दौरान अन्य राज्यों से आ रहे श्रमिक प्रवासियों, खुल रही दुकानों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ गोरखनाथ परवीर कुमार सिंह, सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा, आरआई उमेश दुबे, एसएसपी पीआरओ राजेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर एलआईयू बागेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, और वो स्टैंड बन गया सर, सैनिटाइजर स्टैंड सर मंगाया है, पानी को देख लीजिए, बड़ा अच्छा था, 1500 रुपये का स्टैंड है, मैंने देखा तो मैंने इनको बताया। या सभी पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग एक ली गई है, जिसमें कोरोना का जो लॉकडाउन 4th नियम है उनके परिप्रेक्ष्य में कि वो अच्छे से लागू किए जाएं। डीएम साहब ने जो नियमावली बनाई है और जो निकाली है, जिससे कि हम कोरोना पे कंट्रोल रख सकें। साथ ही साथ ईद और अलविदा की नमाज होने वाली है, उसको लेकर के जो भी सुरक्षा प्रबंध करने हैं और जिस तरह की हिदायतें दी जानी है वो सब दी गई है।